हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो MySQL की है, यानी डेटाबेस से रिलेटेड। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डेट डिफ फॉर्मूला, जी हां MySQL के अंदर भी डेट डिफ आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले MySQL को मैं ओपन करता हूं, हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट पे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पर आकर के अब आपको यहां पे डेट डिफ लगाना है, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूं ताकि हम यहां पर आ जाएं। आप ये देख सकते हैं यहां पर आ गए। अब यहां पे क्या लिखना है आपको, आपको सिंपली सेलेक्ट जो कमांड होता है उसी को लिखना है। यहां पे सेलेक्ट लिखा हमने, ठीक है। और सेलेक्ट लिखने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप सेलेक्ट लिखते हैं तो यहां पर आपको लिखना है डेट डिफ। क्या लिखना है, डेट डिफ, डेट और डिफ, ठीक है, ये लगा लिया। और डेट डिफ लिखने के बाद क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करते हो तो यहां पे दोनों डेट्स आएंगी, जैसे मान लीजिए 2/5/2023, ठीक है, ये कॉमा लगा दिया। अच्छा, ये डबल डॉट कॉमा क्लोज करके तब कॉमा लगाइए और फिर यहाँ पे 2/6/2023 कर देते हैं। यानी इन दोनों डेट्स के बीच में दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। दोनों डेट्स के बीच में क्या करना है, दिनों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने दिन हुए इन दोनों डेट्स के बीच में, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो यहां पर ये क्वेरी हमने लिख दी। अब बस इसको चलाएंगे और काम हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे बंद किया और इसको नाम दे देते हैं एज डेज, ठीक है, इसे डेज नाम दे दिया। एज लिखेंगे, एड नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एज डी ए वाई एस डेज हो गया। बस इतना ही करना, टर्मिनेट करना और एंटर करना है। तो देख सकते हैं यहां पर ये क्वेरी तो रन हो गई है, लेकिन यहां पर अभी हम देख सकते हैं कि यहां पे हमारा कैलकुलेट होके नहीं आ रहा, यहां नल लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, तो देखिए फॉर्मेट आपको करेक्ट लिखना होगा, ठीक है, फॉर्मेट करेक्ट लिखना होगा। कैसे, यहां पर लिखिए सेलेक्ट लिखा हमने और यहां लिखेंगे डेट डिफ, ठीक है, और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट कैसे करेक्ट लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर पहले ईयर लिखेंगे, तो ये 2023 लिख दिया, फिर यहाँ डैश देंगे, फिर यहाँ सिक्स मंथ की बात करते हैं, छठवें महीने की, और यहाँ 5 तारीख की, ठीक है। अब फिर डबल डॉट कॉमा क्लोज करके कॉमा दीजिए, फिर यहाँ करेक्ट फॉर्मेट, पहले ईयर ही आएगा तो 2023 ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2023, यहाँ पे 2023 कर दिया, फिर यहाँ डैश लगाएंगे, फिर यहाँ करेंगे 7 करते हैं, पर 7 और यहाँ पे 5 तारीख, तो डैश देके 5 करते हैं और इसको बंद करते हैं और इसको नाम देते हैं डे, ठीक है, एज डे लिखेंगे, एज डे, तो यहाँ पे एज कर दिया और डे कर दिया, ठीक है। और यहाँ से टर्मिनेशन दे दिया और टर्मिनेशन देके क्या करेंगे, एंटर कर देंगे, काम हो जाएगा। तो ये एंटर किया और देख सकते हैं यहाँ पे 30 दिन आ रहे हैं, 30 दिन देख सकते हैं ना, 2/6/2023 क्या है, ईयर है, छठवां महीना है और 5 तारीख। इसी तरीके से 2023 क्या है, ईयर है, सातवां महीना है और 5 तारीख, दोनों के बीच में कितने दिन है, 30 दिन। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। अब इसी चीज को आप MySQL वर्कबेंच पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है, ओके।